आपकी होस्ट सुगंध और आज मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए हमारा ये खास प्रोग्राम लेकर आई हूँ जिसका नाम है ट्रेंडिंग बॉलीवुड। जी हाँ दोस्तों, मैं जानती हूँ आप सभी हमारे इस प्रोग्राम का काफी बेसब्री से इंतजार करते हैं और आप सभी को हमारे इस प्रोग्राम के नाम से ही पता चल गया होगा कि आज हम बॉलीवुड से जुड़ी और आप सभी के फेवरेट सितारों से जुड़ी कुछ मजेदार और ट्रेंडिंग खबरों से आप सभी को रूबरू करवाएंगे। ये खास तौर से प्रोग्राम हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं ताकि आप सभी को अपने फेवरेट सितारे से जुड़ी कुछ ऐसी ट्रेंडिंग खबरों के बारे में पता चले जो इस वक्त हर जगह छाई हुई है। सोशल मीडिया से लेकर बॉलीवुड में सनसनी इन खबरों ने मचाई हुई है और इन सितारों ने मचाई हुई है। आपको बता दें कि बॉलीवुड में शाहरुख, सलमान, कैटरीना, प्रियंका, करीना जैसे बड़े सितारे हैं और भी कई कई बड़े सितारे हैं जिनके बारे में दर्शक और फैंस जानना चाहते हैं और हमारा मोटिव यह है कि आप सभी को आप सभी के फेवरेट सितारे से जुड़ी दिलचस्प ट्रेंडिंग खबरों से रूबरू करवा सके। तो फिर बिना देरी किए आइए डालते हैं नजर आज की बॉलीवुड की ट्रेंडिंग खबरों पर। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर जो पिछले काफी वक्त से मलाइका अरोड़ा संग अफेयर को लेकर खूब चर्चा में बने हुए हैं, वो अपनी गर्लफ्रेंड मलाइका को छोड़कर एक्ट्रेस कृति सनन के साथ जयपुर के लिए रवाना हो गए हैं। जी हाँ, अब मलाइका अरोड़ा को छोड़कर अर्जुन कपूर कृति के साथ भाग गए हैं, वो भी जयपुर। इससे पहले कि आप कुछ गलत समझें, हम आपको बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है। दरअसल अर्जुन कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म पानीपत को लेकर खूब चर्चा में बने हुए हैं, तो वहीं इस फिल्म में कृति सनन भी नजर आने वाली हैं। अर्जुन और कृति दोनों जयपुर के लिए रवाना हुए हैं। जयपुर में वो अपनी फिल्म की शूटिंग को पूरा करेंगे। जयपुर में इनकी फिल्म का नेक्स्ट स्केड्यूल है और वहीं पर अब इसकी शूटिंग होने वाली है। फिल्म पानीपत के लिए अर्जुन कपूर ने अपना पूरा लुक भी बदल लिया है। अर्जुन कपूर की इस फिल्म का फैंस काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आखिरकार फिल्म पानीपत में अर्जुन कपूर क्या कुछ धमाल मचाते हुए नजर आते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर और एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म सोन चिरैया के प्रमोशन में स्पॉट किया गया, जहां पर सुशांत और भूमि पेडनेकर एक दूसरे की कमर में हाथ डालकर कैमरे के सामने बेहद ही दिलकश अंदाज में पोज देते हुए नजर आए। आप देखिए क्या कुछ खास था हमारे इस वीडियो में। ओके डालम सुनो सुनो यस बड़ी कास्ट है बाबा। ओके सो बोथ एंड स्टेज लेफ्ट टू राइट मैडम लेफ्ट सुनी जी कम मैडम लेफ्ट ओके थैंक यू हेलो सर। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से सुगंध की रिपोर्ट। मिर्जापुर में कालीन भैया का किरदार निभाने वाले एक्टर पंकज त्रिपाठी ने मिर्जापुर में कालीन भैया बनकर तो सबको अपना दीवाना बना दिया, लेकिन अब कालीन भैया का जादू सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि अब हॉलीवुड में भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, खबरों की माने तो पंकज त्रिपाठी को अब एक हॉलीवुड फिल्म मिल रही है। खबरों की माने तो कालीन भैया और पंकज त्रिपाठी हॉलीवुड एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ के साथ फिल्म ढाका में नजर आने वाले हैं और इस फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है और अब कालीन भैया का जादू सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी देखने को मिलेगा। बॉलीवुड की मुन्नी यानी कि आइटम गर्ल मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर इन दिनों अपने अफेयर को लेकर खूब चर्चा में बने हुए हैं। तो वहीं अब आपको बता दें कि हाल ही में मलाइका अरोड़ा की कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर
वायरल हो रही है जिसमें मलाइका अरोड़ा की पीठ पर एक लव बाइट देखा गया है। जी हाँ, एक निशान देखा गया जिसे कहा जा रहा है कि ये लव बाइट ही है। आपको बता दें कि मलाइका और अर्जुन को मुंबई के एक रेस्टोरेंट से डिनर करके निकलते हुए देखा गया। दिलचस्प बात यह है कि उस रात अर्जुन और मलाइका यहां से एक साथ एक ही कार में बैठकर निकले थे। हाल ही में जब मलाइका एक सॉन्ग लॉन्च के इवेंट में पहुंची थी तो यहां मुन्नी की पीठ पर यानी कि मलाइका अरोड़ा की पीठ पर कुछ निशान देखने को मिले और वो निशान देखकर बस हर कोई यही कहता हुआ नजर आया है कि मलाइका के पीठ पर ये निशान लव बाइट के हैं। वेल, इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन वो निशान बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे कि लव बाइट हो। बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल, जिन्होंने बीते ही दिनों एक फिल्म की थी रेस 3 जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई, तो वहीं इसी दौरान अब बॉबी देओल को करीम मोरानी के बेटे के संगीत सेरेमनी में देखा गया, जहां पर वो मीडिया के ऊपर गुस्सा करते हुए नजर आए। कैमरे में देखकर उनका गुस्सा फूट गया। आप भी देखिए क्या कुछ खास रहा हमारे इस वीडियो में। वेब सीरीज फोर मोर शॉर्ट्स की एक्ट्रेस कृति कुलहरी ने हाल ही में रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण के बारे में काफी बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि ये दोनों ही काफी ज्यादा मिस्टीरियस हैं। तो फिर आइए देखिए क्या कुछ खास रहा हमारे इस वीडियो में। सबसे मिस्टीरियस कौन है, लड़का या लड़की में? किसी में भी चलेगा। आई फाइंड दीपिका क्वाइट मिस्टीरियस। मुझे लगता है कि देर इज़ अ साइड टू हर जो वो पब्लिकली नहीं दिखाती हैं, जो शायद बहुत पर्सनल है उनके लिए। सो दीपिका एंड देर इज़ मेन में कौन है यार? आई फाइंड आई थिंक रणबीर। सो दीपिका एंड रणबीर। हाँ, रणबीर, रणबीर कपूर, रणबीर कपूर। मिस्टीरियस कौन है? सबसे मिस्टीरियस कौन है, लड़का या लड़की में? किसी में भी चलेगा। आई फाइंड दीपिका क्वाइट मिस्टीरियस। मुझे लगता है कि देर इज़ अ साइड टू हर जो वो पब्लिकली नहीं दिखाती हैं, जो शायद बहुत पर्सनल है उनके लिए। सो दीपिका एंड देर इज़ मेन में कौन है यार? आई थिंक रणबीर। So, Deepika and Ranbir. Huh? Ranbir, Ranbir Kapoor, Ranbir Kapoor. Bollywood actress Kangana Ranaut अक्सर ही अपने बेबाक और बिंदास अंदाज के लिए जानी जाती हैं। Kangana Ranaut इतनी ज्यादा निडर हैं कि वो कभी भी किसी के बारे में भी सारी पोल पत्ती खोल सकती हैं। और हाल ही में कंगना रनौत ने बॉलीवुड की सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी। दरअसल हाल ही में कंगना की मणिकर्णिका रिलीज हुई थी, जिसका प्रमोशन बॉलीवुड के किसी दूसरे सितारे ने नहीं किया। वहीं कंगना ने हाल ही में एक बयान में कहा, मुझे ये लोग क्या प्रमोट करेंगे, ये लोग खुद को ही प्रमोट कर ले वही बहुत बड़ी बात है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, क्या झांसी की रानी मेरी चाची है? वो आपकी भी उतनी ही है जितनी की मेरी है, तो ये लोग क्यों डर रहे, क्यों खिसिया रहे हैं? इसलिए कि मैंने नेपोटिज्म पर बात की, इन सब की हवाइयां उड़ गई हैं, ये सब लोग गैंग बनाकर बैठे हैं कि मैंने नेपोटिज्म के बारे में क्यों बोला है। बॉलीवुड में आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, हम देखते हैं कि काफी
जो सेलेब्स है वो एक दूसरे के मूवीज के पोस्ट शेयर करते रहेगा, अक्षय प्रमोटेड लुका छुपी एंड वी हैव सीन दिस ट्रेंड ग्रोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. डू यू थिंक परहैप्स यू नो समवन हैड प्रमोटेड मनी करने का द वे दे हैव अदर फिल्म्स फॉर यू आल्सो इट वुड हैव बीन अ नहीं मेरे लिए तो क्या बेनिफिट करेगा. आई एम ऑलरेडी मेरे मुझे 3-4 राष्ट्र पुरस्कार मिल चुके हैं. आई एम एट द एज ऑफ 31 आई एम अ फिल्म मेकर. मुझे तो ये लोग क्या प्रमोट करेंगे, तो खुद को ही प्रमोट कर ले बहुत बड़ी बात है. लेकिन जो रानी ऑफ झांसी है वो क्या मेरी चाची है? वो आपकी भी उतनी ही है जितनी मेरी है. तो फिर ये लोग जो हैं क्यों डर रहे हैं, क्यों खिसिया रहे हैं कि मैंने नेपोटिज्म के करके बोला? तो इनकी हवाइयाँ उड़ गई. सब गैंग बना के बैठे हुए हैं कि नेपोटिज्म के बारे में इसने क्यों बोला. तो सब इकट्ठे हुए हुए हैं जैसे कोई क्लासरूम होता है, बच्चे समझेंगे, 60 लोगों का क्लासरूम हो जिसमें एक बच्चे के खिलाफ बाकी के 59 अड़ जाएं, बिल्कुल उसको किसी ना किसी तरह से सताने में या बुली करने में लग जाए, कैसा महसूस करेंगे आप? शर्म नहीं आती इनको? कोई कोई तो मेरे दादा की उम्र के हैं, ठीक है, मेरे पीछे इतनी बुरी तरह से पड़े हुए हैं, इतनी शर्म नहीं आती है कि इट्स नॉट अबाउट मी, मुझे तो इनके साथ काम ही नहीं करना है, वो तो मैं इनके मुँह पर कहती हूँ. मगर ये जो रानी ऑफ झांसी, ये जो क्वीन ऑफ झांसी हैं जिनकी हमने फिल्म बनाई है, वो फिल्म हमने बनाई है हमारी आने वाली पुश्तों के लिए. क्योंकि उन्होंने जो खून दिया था वो दिया था इस धरती के लिए. आज अगर हम आज़ाद हैं तो सिर्फ कंगना रनौत आज़ाद नहीं है, समस्त भारत आज़ाद है. और ये जो बॉलीवुड ये जो कर रहा है, जिस तरह से ये षड्यंत्र रच रहा है, तो एक बात तो पक्की है कि मैं इनको छोटा मोटा यहाँ वहाँ कॉल आउट करती रहती थी, चाहे वो सेक्सिज्म हो या नेपोटिज्म हो या पे पैरिटी हो, लेकिन अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊँगी और मैं इनकी वाट लगा दूंगी, एक एक को एक्सपोज करूंगी. एंड वन थिंग इज फॉर श्योर कि इन लोगों ने दे हैव कॉल्ड फॉर ट्रबल बाय गैंगिंग अप ऑन मी. है ना बच्चों? थैंक यू वेरी मच. वेल 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 दोस्तों, तो देखा आपने, ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम ट्रेंडिंग बॉलीवुड, जिसमें हमने आप सभी को बॉलीवुड से जुड़ी काफी मजेदार ट्रेंडिंग खबरों से रूबरू करवाया. ये वो खबरें हैं जो इस वक्त हर जगह ट्रेंड कर रही हैं, सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. लेकिन दोस्तों अभी फिलहाल के लिए हमें दे दीजिए इजाजत, क्योंकि अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का और इस प्रोग्राम का यहीं पर दी एंड करने का. पर आप निराश न हो, ये बॉलीवुड से जुड़ी तमाम मजेदार हॉट स्पाइसी चटपटी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को.